पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। धर्माच्या नावावर भेदाभेद योग्य नाही याची शिकवण देणारी ही चिमुरडी मरियम आसिफ सिद्दीकी, मीरा रोडच्या कॉस्मोपॉलिटन हायस्कूलमध्ये शिकणारी मुस्लिम मुलगी। मात्र भगवद्गीतेवर आधारित लेखी स्पर्धेत तिनं पहिला नंबर पटकावल्यानं सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसलाय। इस्कॉनच्या वतीनं फेब्रुवारी महिन्यात गीता चॅम्पियन्स लीग स्पर्धा घेण्यात आली, त्यात तिला 100 पैकी 100 गुण मिळाले। टीचर्स आती थी वो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाती थी, और जो नहीं समझ में आता है ना तो वो जो टीचर्स थी स्टोरी पे डिपेंड रखती थी हम लोग को, स्टोरी क्या हुई थी, कृष्णा ने क्या बोला था अर्जुन को, अर्जुन ने क्या किया था। जो टीचर्स होती है वो सेकेंड फेस ऑफ द गॉड होती है, और हम लोग को उनकी रिस्पेक्ट क्या करनी है वो भी सिखाया गया था हम लोग को। ये चीज़ मुझे गीता में अच्छी लगी। गीतेमध्ये जीवनाचं सार सामावलेलं आहे असं हिंदू धर्मीय मानतात, मात्र गीतेचं तत्वज्ञान विशिष्ट धर्मापुरतं मर्यादित नाही हे मरियमनं सप्रमाण सिद्ध केलंय। मानवता हाच खरा धर्म असल्याचं ती मानते। पेरेंट्स जो हैं उनने मुझे इंस्पायर किया कि जो रिलेशन्स रहते हैं, धर्म रहते हैं, वो सब एक रहते हैं। वो ह्यूमैनिटी एक धर्म होता है जिसको उन लोगों ने डिवाइड कर दिया है, और वो बहुत सालों से चला आ रहा है। और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं जो हमारे फैमिलीज हैं उन पर ये रिलेशन ना इफेक्ट पड़े। मुस्लिम असूनही भगवद्गीतेचा अभ्यास करण्याचं बाळकडू मरियमला मिळालं ते तिच्या घरातूनच। ये कहीं नहीं बताया गया है कि हम किसी चीज में फर्क रखें या किसी पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष में हम फर्क रखें। हर एक धर्म सिर्फ और सिर्फ अगर जोर देता है तो मानवता इंसानियत पर जोर देता है, और मैं नहीं समझ सकता हूँ कि मैंने कोई गलत काम किया है। मरियमला एवढ्या लहान वयातच खरा गीता धर्म समजला। धर्माधर्मांमध्ये भांडणं लावणाऱ्यांना आणि पिढ्यान पिढ्या विखारी बीज पेरणाऱ्यांना तो कधी समजणार। प्रवीण नलावडेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।